अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं स्टूडेंट की फरमाइश पर, और उस टॉपिक का नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन जो है, द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी। किसी भी लिक्विड के बहने के खिलाफ जो रुकावट होती है उसकी मेजरमेंट को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन को अगर अच्छे से समझना है तो पहले हम थोड़े से बैकग्राउंड को लेकर चलते हैं, जो कि हमारे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ फ्लो। सम लिक्विड्स लाइक हनी फ्लो स्लोली एंड आर कॉल्ड विस्कस लिक्विड, व्हाइल गैसोलीन ईथर एक्सेट्रा फ्लो क्विकली आर कॉल्ड लेस विस्कस। हमने कहा कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो बहुत आहिस्ता से बहते हैं, मिसाल के तौर पर शहद जो बहुत आहिस्ता से बहता है तो हम कहते हैं वो उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके से गैसोलीन पेट्रोल वगैरह की बात करते हैं या ईथर की बात करते हैं तो वो बहुत तेजी से फ्लो कर जाते हैं तो हम कहते हैं उनकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। तो विस्कोसिटी क्या है, द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रुकावट की पैमाइश की बात हो रही है, किसी भी लिक्विड के बहने के खिलाफ जो रुकावट होती है उसकी पैमाइश को, उसकी मेजरमेंट को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिस लिक्विड के बहने के खिलाफ रुकावट ज़्यादा होगी हम कहेंगे उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और जिसके बहने के खिलाफ रुकावट कम होगी हम कहेंगे उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। जैसे शहद जो है वो आहिस्ता से बहता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है फ्लो होने के खिलाफ, लिहाजा हम कहते हैं उसकी विस्कोसिटी जो है वो हाई है। और इसी तरीके से गैसोलीन और ईथर की जो हमने यहाँ एग्जांपल पेश की, उसकी लिक्विड के बहने के खिलाफ जो है वो रुकावट जो है वो कम होती है, लिहाजा वो तेज़ी से बह जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं उनकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। तो आइए विस्कोसिटी के थोड़े से इंटरनल बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये विस्कोसिटी होती किस वजह से है। लेकिन उससे पहले हम आपको बात बताते चलें कि ये जो लेक्चर आप सुन रहे हो ये हमारे YouTube चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है, और अगर आपने हमारे ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब को क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे, अब तक हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड 28 लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग की प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको मालूम कर सकते हैं। और मज़ीद हम लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकेंड ईयर फिजिक्स रिलेटेड हम अपलोड करने जाएंगे। याद रहे, ये लेक्चर जो है वो डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। तो आइए इसके कुछ बैकग्राउंड को समझते हैं। द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अकाउंट्स फॉर दिस बिहेवियर ऑफ लिक्विड एंड कॉजेज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। द लिक्विड दैट हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हैव ग्रेटर विस्कोसिटीज। अब यहाँ हमने डायग्राम में बात बताई है एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे पास यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने ब्लैक एक मॉलिक्यूल को जो है वो टारगेट किया। अगर इस मॉलिक्यूल के दरमियान अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो आसपास के ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं, इस मॉलिक्यूल और इन तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ये सब एक दूसरे को क्या करके बैठे हैं, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये लिक्विड इतनी आसानी से नहीं बह सकेगा। अगर ये अट्रैक्शन कम होगी तो ये लिक्विड क्या कर जाएगा, तेजी से बह सकेगा। इसीलिए हमने कहा द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अकाउंट फॉर दिस बिहेवियर। इस बिहेवियर में जो मेन किरदार जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी और उतना कम तेज़ी से ये लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकेगा, लिहाजा हम कहेंगे उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो हमने कहा इन कॉजेज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। द लिक्विड दैट हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनकी विस्कोसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो विस्कोसिटी में जो रोल जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का है। तो यहां हमने थोड़ा सा इसको समझा। सिंबल की बात करते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। इसको ईटा सिंबल से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस इन पॉइसेस। नॉर्मली जो है वो विस्कोसिटी को जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है वो पॉइसेस है। अगर इसकी इक्विवेलेंस की बात करें तो 1 पॉइस बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के। और विस्कोसिटी की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब विस्कोसिटी की एक्सप्लेनेशन समझने के बाद हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं
जिसमें जो विस्कोसिटी में किरदार अदा करते हैं। जैसा कि पहला फैक्टर जो है वो क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की साइज, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के साथ साथ मॉलिक्यूल की साइज भी जो होती है वो बाज़ुकात अहम किरदार अदा करते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो अफेक्ट ऑन विस्कोसिटी, लिक्विड हैज बिगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर फॉर इट हैज हाई विस्कोसिटी। वो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी उनकी विस्कोसिटी भी क्या होती है, अक्सर औकात ये देखा गया है उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से साइज के साथ साथ जो है वो शेप का भी जो है वो किरदार होता है। इलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड हैव हाई विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू स्फेरिकल मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जिनकी शेप स्फेरिकल होती है अगर उसको कंपेयर करें इलोंगेटेड मॉलिक्यूल से जिनकी लंबाई जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो इलोंगेटेड मॉलिक्यूल की अक्सर औकात विस्कोसिटी ज़्यादा देखी गई है बनिस्बत स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के जो बिल्कुल राउंड स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसी तरीके से तीसरा फैक्टर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर डिक्रीज। विस्कोसिटी की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो विस्कोसिटी टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो अक्सर औकात ये देखा गया है कि विस्कोसिटी जो होती है वो लिक्विड की कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर हो जाने की वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। लिहाजा टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की कि 0 डिग्री पर वाटर की विस्कोसिटी है 1.789 पॉइस, और जब टेम्परेचर हम 20 डिग्री पर लेके चले जाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है 1.005 पॉइस पर चले जाती है। इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, 0 डिग्री पर इथाइल अल्कोहल की विस्कोसिटी जो होती है वो 1.78 होती है और 20 डिग्री पर जाकर ये विस्कोसिटी कम हो जाती है जो कि 1.19 पर आ जाती है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे हम आने वाली वीडियो में वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और केमिस्ट्री से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और टॉपिक को हम डिस्कस करने जाएंगे, तो उनको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।